इंसान उड़ जाए जितना उड़ना है, आखिर पे तूने यहीं पे आना है। ये रमजान है गरीबों के एहसास के, बंदा रोजा रखता है गरीबों के एहसास के, तो इसलिए यार गुजारिश है। भाई आपके जो ब्लॉग है ना, वो गरीब आवाम भी देखती है, जो मतलब खाना फोर्ड नहीं कर सकती, जो मुश्किल से थी। देखे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, मतलब ना वो क्या कहते हैं, रोड बंद रहा है, अब सहूलत होगी हमें आने जाने। वैसे हमने वहाँ से जाना था, ये यहाँ से यार, ये स्पीकर ठीक कराने से बहुत दुकान ही बंद थी, अभी हम जाने लगे हैं वापस। तो गाइस हमें अभी एक जय दुकान मिली है, वो भाई अंदर गया स्पीकर ठीक कराने। ठीक है कि बाजार के वक्त का रश, मतलब रमजान में कैसा रश होता है, ये देखे उधर खजूरों का भी ठेला होगा आगे। वो भाई स्पीकर ठीक करा रहा है, और यार पता नहीं कितनी देर लगेगी, बाजार में रश भी बहुत है। ये देखो वो दुकान है, हम तो मेरा दिल है कि मैं अपने एक फ्रेंड्स मीट कब कर रहा, तो वो भी व्लॉग बनाते हैं, व्लॉगर है, उससे मिल के आते हैं, सरप्राइज है उनके लिए। मैं भी इधर बाज़ार में डक भाई की तरह हम लो जी करूँ, हम लो जी, वो यार एंटर इन बाज़ार। ये देखो यार पब्लिक में व्लॉग बनाना आसान नहीं है, और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, देखो बटन क्या कैसे पास है पब्लिक में। बात है यार छोड़ो, मैं तुम लोगों को मौसम दिखाता हूँ, मौसम देखो यार, मौसम देखो। लकी भाई की तरह चपैक सी हो गया, ऐसे लगता है बारिश आने वाली है, अभी आ जाएगी बारिश। दोस्त को मिलने का प्रोग्राम तो बार का शुक्र है, दुकान मिल गया इधर से। एक बाबा जी ने कहा था कि तंबाकू ले आना, मैं उसके लिए तंबाकू लेके जाता हूँ घर, और फिर बुला को रमज़ान भी गया, मेरे रोज़े भी गया, तो आपको बताता हूँ क्या सब क्या। इंसान उड़ जाए जितना उड़ना है, आखिर पे तूने यहीं पे आना है। मानो ये हमारी आखिरत की मंजिल है, हम सामने इधर ही आना है, तो क्यों ना इसके लिए तैयारी करें इस रमज़ान मुबारक के महीने में। तो स्टूडेंट की टाई तो ठीक होनी चाहिए। तो यार सबसे पहले मैंने ना कल व्लॉग अपलोड किया, रमज़ान व्लॉग का डे वन रमज़ान का, तो यार वो उस पे आप लोगों ने सपोर्ट लाजमी दिखानी है, अभी जाओ चैनल में और वो वॉच करो। हाँ तो बात ये है कि लकी भाई ने व्लॉग बनाया रमज़ान का, ठीक है, उसमें उन्होंने बिरयानी क्या क्या बनाया और वो दिखाया। तो यार मैं डकी भाई से ये कहूँगा कि डकी भाई आपके जो ब्लॉग है ना, वो गरीब आवाम भी देखती है, जो मतलब खाना फोर्ड नहीं कर सकती, जो मुश्किल से तीन टाइम का वक्त का खाना खाती है, वो भी आपके ब्लॉग देखते हैं। पीछे यार भाई कहते हैं, तो थोड़ा शोर आता है, इसे इग्नोर करना।
तो ये बात थी कि जितने भी व्लॉगर हैं यार वो रमज़ान के व्लॉग बनाते हैं और स्लैब बनाते हैं जी, हमने बिरयानी बनाई, हमने चिकन ये बनाया, हमने ये बनाया और व्लॉग अपलोड कर दिया। यार इधर सारे डेंजरस राइडर आते हैं ये। चलो तो यार मैं अब बाजार से आ गया हूँ, वो मैंने आपको कहा था कि मैंने एक दोस्त से मिलना है, वो भी व्लॉगर है, लेकिन यार वो फिर टाइम नहीं मिला, एक और काम था, तो सारे काम शाम करके आ गया हूँ। ये रास्ता जाता है घर की तरफ, ये देखे प्यारे प्यारे भी और पीछे स्कूटर भी आ रहा है। तो यार अब मैं जा रहा हूँ घर, ठीक है, और अभी ना असर का टाइम होने वाला है, तो कल मैंने कल के व्लॉग में तलावत शुरू की थी और आधा सपारा तकरीबन हो गया, आधा सपारा आज पढ़ना है, तो अभी असर का टाइम होने वाला है, अभी मैं यूनिफॉर्म भी चेंज करना है, तो आपको मिलता हूँ असर टाइम पे, उसके बाद इफ्तारी होगी, इफ्तारी के बाद फिर मगरिब की नमाज और उसके बाद नमाज तरावी। तो यार फिर क्या ऐसे मैं अभी मूड नहीं है व्लॉग बनाने का, तो इस व्लॉग को इधर से एंड करता हूँ। ये एक छोटी सी वीडियो थी जो कि डकी भाई को क्रेडिट थी, डकी भाई के लिए थी, तो इसको इतना शेयर करना कि डकी भाई तक पहुँच जाए और ऐसी हरकत से दूर रहें। देखें रमज़ान का मुबारक, रमज़ान मुबारक महीना अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट दिया है, ये हर किसी को नहीं मिलता। कितने आप में से कितने लोग होंगे जिनके भाई बहन रिश्तेदार इस दुनिया में नहीं है, वो और यह रमज़ान नहीं मना रहे, तो ऐसे यार बहुत गरीब होते हैं। ये रमज़ान है ही गरीबों के एहसास के लिए, बंदा रोज़ा रखता है गरीबों के एहसास के लिए, तो इसलिए यार गुजारिश है आपसे कि इस काम से बाज रहें और अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना दिया, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो डकी भाई अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, उसके ऑडियंस को भी बुरी लगी हो तो माजरत, मेरा यार ये मकसद नहीं था, वैसे मैंने एक बात शेयर करने के बाद शेयर कर दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।